अगर आप एस एस जी डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, यूट्यूब पे बेवकूफ़ बनाने वालों की कमी नहीं है। अब कल मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, कल एक बेवकूफ़ बोल रहे हैं कि कट ऑफ जाएगी 100 में से 100। अरे यार, अगर कोई स्टूडेंट ये देखेगा तो वो तैयारी क्यों करेगा? वो तैयारी करेगी क्या? 100 में से 100 जाएगी कट ऑफ, तो वो तैयारी क्यों करेगा? कोई नॉर्मल स्टूडेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे वो क्लियर करना चाहते हैं SSGD, तो वो तो तैयारी करेगा ही नहीं। फ्रेशर स्टूडेंट जो ये स्कोर तो वही करेगा जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा है, वही ये स्कोर कर पाएगा। तो फ्रेशर स्टूडेंट तो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, तो वो डिमोटिवेट यहाँ से हो गए। देखो, ऐसा कुछ है नहीं, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उन टीचर का काम है जो क्या करते हैं, बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लगा लिए, उसके बाद आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। 1 घंटे का क्लास होता है, बीच बीच में कमेंट देखते रहते हैं और बच्चों को इधर उधर बेगौर में 2-3 चुटकले सुना देते हैं, कुछ कॉमेडी कर देते हैं। शुरुआत के 10 मिनट बातों बातों में चले गए, लास्ट के 10 मिनट बातों बातों में चले गए, और पीछे 40 मिनट बचे 1 घंटे की क्लास में। उसके बाद क्या करते हैं, लिखा देते हैं ये हो गया CP, ये हो गया SP। बताइए, 100 रुपये CP है, 10% डिस्काउंट दिया तो SP कितना हो गया? और 10% डिस्काउंट दिए, SP इतना है तो CP कितना हो गया? अरे, ये सवाल नहीं आने वाले अब ये सब ज़माना चेंज हो चुका है। आपको इन बेवकूफ़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये आपको फेल करवा देंगे एकदम। तैयारी आपको इस लेवल तक करना है कि चाहे कैसे सवाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना ही मतलब अपने तैयारी को अपने आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है अभी, तो आप अपनी तैयारी को उस हद तक ले जा सकते हो जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप एकदम अच्छे से कर सकते हो उसको। इनके चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। कोई एक ऑथेंटिक टीचर लीजिए जो आपको अच्छे से तैयारी करवाता हो। जैसे आपको एक टॉपिक पूरा करना है, जैसे मान लिया सबसे पहले टॉपिक आ गया परसेंटेज, तो सबसे पहले तो सिलेबस देखिए, अपना सिलेबस क्या है मैथ्स में। तो परसेंटेज आ गया तो अच्छे से कौन सा टीचर क्लियर करा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर यहाँ बहुत मिलेंगे और बेकार बेकार भी बहुत सारे टीचर मिलेंगे, ठीक है? तो आपको वैसे तैयारी करना है, और कट ऑफ वगैरह इनसे एकदम दूर रहना है। पिछली बार NIA की गई थी, कितना, 97 गई थी, 100 में से 97 NIA की। और ये 97, इसका मतलब ये थोड़ी है कोई बच्चा 100 में से 97 सही कर गया है। 97 कट ऑफ गया है NIA का, तो इसका मतलब हाईएस्ट कट ऑफ यही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि NIA का 97 नंबर लाया है बच्चा। अगर कोई हार्ड शिफ्ट में 80 नंबर लाया है ना, तो उसके भी इतने हो गए 97 बढ़कर। नॉर्मलाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, SSC का ये फॉर्मूला है। अगर कोई हार्ड शिफ्ट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई हार्ड शिफ्ट में स्कोर 70 भी करता है ना, तो उसका स्कोर बढ़ के 90+ हो जाएगा। या अगर कोई स्कोर 100 में से 100 भी सही करता है ना, तो अगर उसकी इजी शिफ्ट होगी तो वो स्कोर कम हो जाएगा। तो ऐसे कट ऑफ जाता है, ऐसे नहीं जाता है कि उसने 97 कट ऑफ गए तो 100 में से 97 उसने सही कर दिए। और ये वो बच्चे होते हैं जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, सब कुछ उनका स्ट्रोंग होता है, सब कुछ वो बच्चे होते हैं। अगर आपने ये स्कोर भी कर लिया ना 100 में से 75, तो आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, जैसे CISF मिल सकती है आपको, और SSB, CISF, ये पोस्ट आपको मिल सकती है इसमें, ठीक है? और NIA की तो इस बार है नहीं। तो आपको देखो, कट ऑफ वगैरह का मैं तो बल रहा हूँ ध्यान देना ही नहीं, आपको अपना 100% देना है। बच्चों का सिलेक्शन पिछली बार तो 100 में से जो 60 नंबर लाए थे कुछ स्टेट में, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। कुछ स्टेट में 100 में से 50 नंबर लाए, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो और पेपर एकदम इजी होता है, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना आप, इतना कुछ है नहीं, एकदम आसान सा पेपर होता है। और देख लेना अपना हिंदी भी एकदम आसान से होता है, हिंदी तो इतना इजी है। इसमें एक वीडियो पहले बनाया था मैंने, उसको बताया था कि क्या क्या है सब कुछ, एकदम कैसे रणनीति बनाना है SSC GD की, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करना है। आपको अपना 100% देना है, और खाली वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होने वाला है।
आपको इसके अलावा बुक लाना होगा, अच्छा अच्छा बुक लाना होगा, उस बुक से तैयारी करना पड़ेगा। वो टॉपिक वाइज, जैसे ये टॉपिक क्लियर कर लिया ठीक है हो गया काम, ये टॉपिक क्लियर कर लिया हो गया काम। सिलेबस देखना है टॉपिक वाइज एकदम अच्छे से सारा सारा क्लियर करना है। और लास्ट जब आपके पास में 1 मंथ, क्या बोल रहा हूँ, लास्ट 1 मंथ बचे, उस समय आपको 2 दिनों में 1 मॉक टेस्ट लगाना है। क्या बोल रहा हूँ, 2 दिनों में 1 मॉक टेस्ट लगाना है और अपना स्कोर देखना है। 75 आ रहा है तो एकदम फुल मोटिवेट रहना है, मेरा 100% सिलेक्शन श्योर है। और रनिंग वगैरह अब से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग होगा उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है, जिस बच्चे का थोड़ा हेल्दी होगा और या फिर कभी रनिंग किया ही नहीं तो उसको ये प्रॉब्लम आ सकता है, वो अच्छे से एक बार देख लेना ठीक है। रनिंग वगैरह एक बार 1 घंटा निकालिए और अभी स्टार्ट कर दो, इतना कुछ नया नहीं। इस बार CRPF की वैकेंसी अभी नहीं है, लेकिन ये 25,000 वैकेंसी तो अदर जो डिपार्टमेंट है उनकी है, CRPF की वैकेंसी आ सकती है इसमें, क्योंकि CRPF के पास इतना एक बार डाटा नहीं होगा। तो SSC ने नोटिफिकेशन के लिए सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे ट्विटर वगैरह पे, तो उन्होंने जल्दी से नोटिफिकेशन दे दिया कि हाँ इतनी वैकेंसी तो फिक्स है ही है इतने सारे डिपार्टमेंट की। आगे आपका जैसे जैसे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको आगे बता दिया जाएगा CRPF में इतनी वैकेंसी आई है, या फिर CRPF की वैकेंसी अलग ही हो सकती है ठीक है, तो वो वैकेंसी इंक्लूड हो सकती है। NIA की भी आएगी इसमें, तो वैकेंसी वगैरह इन सबको आपको नहीं देखना है, आपको अपना 100% देना है ठीक है। तैयारी कीजिए एकदम फुल अच्छे से जी जान लगा के। फ्रेशर स्टूडेंट भी देखिए बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, और BSF की तो कट ऑफ पिछली बार कम गई थी एकदम, तो आपको तो एकदम अच्छे से जिस भी डिपार्टमेंट आप इंटरेस्टेड हो, मनपसंद डिपार्टमेंट लेने के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना होगा ठीक है। तो उन टीचर से आप दूर रहिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, 100 में से 100 कट ऑफ जाएगा, ये नाम सुनकर बच्चे भाग जाएंगे, तैयारी करने करेंगे नहीं, मेरा तो होगा थोड़ी, इतना नंबर मेरा थोड़ी आता है, मैं तो अभी तैयारी स्टार्ट किया है और 6 महीनों में मेरा इतना नंबर थोड़ी आ जाएगा, तो वो तैयारी करेंगे ही नहीं ठीक है। तो इन बातों में आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, और ऐसे टीचर से भी दूर रहना है जो आपको टाइम वेस्ट करा रहा है आपका। और बस इतना ही कहूँगा आज की वीडियो में आपको, मैं फुल मोटिवेट होकर तैयारी कीजिए, बाकी बातों से दूर रहिए। थैंक यू।